दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? कोई कहेगा कि यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट, कोई कहेगा कॉर्पोरेट अमेरिका, कोई कहेगा जेफ बेजोस, या कोई कह सकता है कि इलॉन मस्क सबसे ज्यादा ताकतवर है। पर कोई और है जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा, ब्लैकरॉक। BlackRock's Larry Fink is out today with his letter to shareholders, the head of the world's largest asset manager. We've seen in decades. You talk about 2022 being a year of huge transition. I don't worry about inflation as much. I worry about is anemic growth for the next 5 to 7 years. I don't know how we're going to get out of this 2% growth rate. 30 साल से भी कम समय में ये कंपनी जीरो से दुनिया के सबसे बड़ा एसेट मैनेजर बन चुकी है और इनकी नेटवर्थ अमेरिका के आधे जीडीपी के बराबर है। इनको सक्सेसफुल होने के लिए मीडिया के टॉप में होने की भी जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। एप्पल, फेसबुक, लॉकहेड मार्टिन, टेस्ला, मास्टर कार्ड, डूपॉन्ट, जनरल इलेक्ट्रिक, फॉक्स मीडिया, डिज्नी, माइक्रोसॉफ्ट, पैरामाउंट, आईबीएम और ऐसी बहुत सारी कंपनीज में एक बात सिमिलर है, इन सबके बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में एक नाम कॉमन आता है, ब्लैकरॉक। पर ये है कौन, करते क्या है और कैसे अमेरिका की ये इकलौती कंपनी दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रही है? BlackRock was founded in 1988 by Larry Fink along with Robert Capito, Sushane Wagner, Barbara Novick, Ben Golub, Hugh Frater, Ralph Schlossting and Keith Anderson. इनका aim था corporations को asset management services provide करना ताकि वो अपने investments और risks को manage कर सके। ये idea Fink के दिमाग में तब आया जब वो first Boston में काम करते थे और उन्होंने पहली बार $100 million का घाटा भुगता। वो एक्सपीरियंस उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन बना और उन्होंने एक ऐसी कंपनी बना दी जिसका मेजर फोकस था एक्सेलेंट रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को डेवलप किया जाए। ब्लैकरॉक को अपनी पहली फंडिंग ब्लैकस्टोन ग्रुप के पीट पीटरसन से मिली, जिनको फिंक का रिस्क मैनेजमेंट पे डिवोटेड एक कंपनी बनाने का आइडिया बहुत पसंद आया। फिंक की कंपनी ब्लैकस्टोन ग्रुप का एसेंशियल पार्ट बन गई जिसे नाम दिया गया ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बॉन्ड बिजनेस में 50% पार्टनरशिप के बदले में ब्लैकस्टोन ने फिंक और उसकी टीम को $5 million की फंडिंग दी। कुछ महीनों के अंदर ही बिजनेस को अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। 1989 तक ग्रुप एसेट्स कई गुना बढ़ के $2.7 billion हो गए। ब्लैकस्टोन ने 10% स्टेक सेल करके अपनी पार्टनरशिप 40% कर ली और अब 60% स्टेक होल्डिंग फिंक और उसकी टीम के पास थी। 1992 में फर्म ने अपना नाम ब्लैकरॉक रखा और उस साल के एंड तक ब्लैकरॉक $17 billion यानी कि आज के हिसाब से 1,00,000 crore के एसेट्स मैनेज कर रहा था और वहीं 1994 के एंड तक वो $53 billion यानी कि 4,50,000 crore से ज्यादा के एसेट्स मैनेज कर रहा था और उसी साल लैरी फिंक ब्लैकरॉक के चेयरमैन एंड सीईओ भी बन गए। कंपनी 1999 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ $14 per share पे पब्लिक हो गई एंड एट द एंड ऑफ दैट ईयर कंपनी $165 billion के एसेट्स हैंडल कर रही थी। ब्लैकरॉक ऑर्गेनिकली एंड बाय एक्विजिशन दोनों तरीके से बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा था और 2004 में उन्होंने स्टेट स्ट्रीट रिसर्च एंड मैनेजमेंट होल्डिंग कंपनी को मेटलाइफ से $325 million इन कैश एंड $50 million इन स्टॉक में खरीद कर अपना पहला इंपॉर्टेंट और जबरदस्त एक्विजिशन पूरा किया और ये तो बस शुरुआत थी। हम सब कुछ हद तक ये बात जानते हैं कि मेगा कॉर्पोरेशंस और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनीज हमारे लाइफ के हर पहलू पर हावी है। जो भी हम देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, खरीदते हैं या कहीं भी हम जाते हैं, ये सब डिसाइडेड है। दिस इज लेस ऑफ अ पर्सनल चॉइस एंड मोर व्हाट इज फेड टू अस बाय द कॉर्पोरेशंस। ये सारी फर्म्स इतनी बड़ी हैं कि ये वर्ल्ड वाइड मनी फ्लो को कंट्रोल कर रही हैं। मार्केट में सैकड़ों हजारों कंपीटिंग ब्रांड्स हैं, पर सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी पेरेंट कंपनी एक्चुअली में बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज और छोटे छोटे ब्रांड्स के मेजॉरिटी शेयर्स को ओन करती है। मतलब आम भाषा में अगर मैं आपसे कहूं तो आप कुछ भी कर लो, कहीं से भी कुछ भी खरीद लो, आपका पैसा घूम फिर कर उन तक पहुंचेगा ही। फॉर एग्जाम्पल, पेप्सी को बहुत सारे फूड बेवरेज एंड स्नैक ब्रांड्स जैसे कि कोका कोला, नेस्ले, जनरल मिल्स, यूनिलीवर, मार्स, क्राफ्ट हैंड्स एंड बहुत से ब्रिटिश फूड को ओन करता है। ये सारी कंपनीज मिलकर पैकेज फूड इंडस्ट्री पर पूरी तरह से मोनोपोली क्रिएट करती हैं। ऑलमोस्ट हर फूड ब्रांड इनमें से ही एक को बिलोंग करता है। ये कंपनीज पब्लिकली यानी कि स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करती हैं और बोर्ड मेंबर्स के जरिए चलाई जाती हैं, जहां पे बड़े शेयर होल्डर्स को ही डिसीजन मेकिंग की पावर मिलती है। अब यहां पे ये और मजेदार हो जाता है क्योंकि जब आप देखते हैं कि लार्जेस्ट शेयर होल्डर है कौन तो आपको एक और मोनोपोली मिलती है। वैसे तो कोई भी शेयर्स खरीद और बेच सकता है और इस हिसाब से टॉप के शेयर होल्डर्स भी बार बार बदल सकते हैं, लेकिन इन पेरेंट कंपनीज के टॉप इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स में दो कंपनीज ऐसी हैं जो लगातार कंसिस्टेंट है और वो है वैनगार्ड ग्रुप इनकॉर्पोरेशंस एंड द ब्लैकरॉक इनकॉर्पोरेशंस। फूड एंड बेवरेजेस के अलावा भी एक ओनरशिप ट्रेंड एग्जिस्ट करता है। अगर आप फैमिली वेकेशन प्लान कर रहे हैं और आप टिकट्स, प्राइसेस और होटल्स के बारे में जानकारी लेने के लिए अपना लैपटॉप, फोन या टैबलेट यूज कर रहे हैं तो आप ज्यादातर skyscanner.com, booking.com, Airbnb या Expedia ऐप्स को यूज करेंगे,
जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सकती है। ये कंपनीज भी ब्लैक रॉक ही ओन करता है। आप होटल में स्टे करने के बाद अगर अपना रिव्यू ट्रिप एडवाइजर पे लिखते हैं तब भी आप फिर से एक ऐसी सर्विस यूज कर रहे हैं जो ब्लैक रॉक ओन करता है। ये भी कुछ नहीं, कैरोसिन जो प्लेन्स एंड एयरक्राफ्ट को फ्यूल करता है वो भी उन्हीं की बहुत सारी ऑयल कंपनीज और रिफाइनरीज में से ही आती हैं। स्टील जो प्लेन्स को बनाने में यूज होती है वो भी उन्हीं के माइंस से बनके निकलती है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी ब्लैक रॉक का बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस है। ब्लैक रॉक ओन्स बेयर, जो दुनिया के सबसे बड़ी सीड प्रोड्यूसर भी है और साथ ही साथ सबसे बड़ी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड क्लोदिंग कंपनीज को भी ओन करता है। सोलर पैनल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, मेजर ड्रग कंपनी, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स एंड लैब्स जहाँ पे ड्रग स्टडी की जाती है, वो सारी जगह जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं जैसे कि मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, अमेजॉन, अली एक्सप्रेस एंड सारी की सारी कंपनीज ब्लैक रॉक ओन करती हैं। अगर आप उनके साथ शॉप ना करके छोटे और लोकल बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं तब भी आपका पैसा ब्लैक रॉक तक पहुँच रहा है और आप ब्लैक रॉक को सपोर्ट कर रहे हैं अपना क्रेडिट कार्ड या कोई भी डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को यूज करके। इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, टेलीफोनिक कंपनीज, रेस्टोरेंट्स, पर्सनल केयर ब्रांड्स, मेकअप ब्रांड्स, ये सब उनके बड़े पोर्टफोलियो में एडेड है। अगर आप ऑनलाइन कोई भी बड़ी कंपनी सर्च करोगे तो आपको ब्लैक रॉक टॉप 10 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में जरूर दिखेगा। ब्लैक रॉक के इतने जबरदस्त रीच और इन्फ्लुएंस की वजह से ये गवर्नमेंट की एक ब्रांच भी मानी जाती है और ये गवर्नमेंट पॉलिसीज और डिसीजन मेकिंग में भी अपना मेजर रोल प्ले करती है। इवन यूएस के सेंट्रल बैंक एंड फेडरल रिजर्व को भी पैसे की जरूरत हो तो वो ब्लैक रॉक से फंड लेते हैं। अगर ये कंपनी और लैरी फिंक इतनी बड़ी पावर को होल्ड करते हैं तो आप सबने इनके बारे में ज्यादा क्यों नहीं सुना? ब्लैक रॉक बहुत बेयरली कभी न्यूज चैनल या प्रिंट पब्लिकेशन में फीचर होता है, पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऐसा खुद चाहते हैं। अगर वो खुद चाहें तो वो रोज फीचर हो सकते हैं। ब्लैक रॉक करेंटली ओन्स 18% ऑफ फॉक्स, 16% ऑफ CBS एंड 13% ऑफ कॉमकास्ट, जो कि NBC, MSNBC और स्काई का मालिक भी है। अगर इनमें से कोई भी कंपनी कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने से पहले ब्लैक रॉक से भी कंसल्ट करना पड़ता है। इट गोज सेम फॉर गूगल टू, वो गूगल जिसकी नेटवर्थ $1100 बिलियन से भी ज्यादा है। Amazon, Facebook, Twitter एंड इवन Disney को भी ब्लैक रॉक ओन करती है और उनकी जबरदस्त स्ट्रैटेजिकल एंड डाइवर्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की वजह से ब्लैक रॉक दुनिया का 90% मीडिया ओन करता है। तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता, मतलब साफ है कि ये चाहते ही नहीं है कि आपको पता चले। पर क्यों? क्योंकि ये दुनिया के एक बड़े हिस्से के मालिक हैं, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट्स और स्कैंडल्स होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो के अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़े, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू फॉर अ क्विक फेवर। इफ दिस वीडियो हैज बीन ऑफ वैल्यू फॉर यू एंड यू हैव रियली एंजॉयड द वीडियो, डोंट नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड इफ यू डिड नॉट लाइक इट यू कैन ऑल्सो हिट द डिसलाइक बटन। इस तरह के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियो बनाने में, रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट रेडी करने में, शूट में, एडिटिंग में वाकई में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, कई दिन और कई रातें लग जाती हैं। सो आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी होती है अगर आप सपोर्ट करते हो और आपके सपोर्ट को देख के कितना अच्छा फील होता है। तो ब्लैक रॉक के बारे में और ये पूरी सच्चाई जान के आपको कैसा फील हो रहा है कमेंट करके जरूर बताना, अपने व्यू जरूर शेयर करना ताकि हमारी पूरी कम्युनिटी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए एंड एक दूसरे से ही काफी कुछ सीख भी पाए। इस चैनल पे इस तरह के इंटरटेनिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बहुत जबरदस्त वीडियोस और भी आने वाली है बिजनेस, फाइनेंस एंड लाइफ से रिलेटेड। एंड अगर आप इस तरह की कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो फटाफट से हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हेनेवर न्यू वीडियो विल गेट अपलोडेड ऑन द चैनल। सेटिंग्स में भी एक बार चेक कर लेना, मेक श्योर ऑल योर नोटिफिकेशंस आर टर्न्ड ऑन। होप यू हैव एन अमेजिंग टाइम अहेड। लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी ऑफ ब्लैक रॉक। अगस्त 2020 में ब्लैक रॉक पहली ऐसी कंपनी बनी जिसे चाइना के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने की परमिशन मिली, जिसका मतलब यह है कि ब्लैक रॉक अब चाइनीज कंपनीज को भी ओन करता है और उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इवन जो कंपनीज यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ब्लैक लिस्टेड है उनमें भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाइना में सबसे पहली इन्वेस्टमेंट ब्लैक रॉक ने हिक्की विजन में करी थी। हिक्की विजन एक सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशन फर्म कंपनी है जो फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर डेवलप करती है जिसे चाइनीज गवर्नमेंट यूज करती है। पर ये पैसा सिर्फ ब्लैक रॉक या लैरी फिंक का नहीं है, ये पैसा पेंशन फंड्स या आम जनता के बैंक अकाउंट से लिया गया है जिन्होंने ब्लैक रॉक को पास्ट में जाने अनजाने में कभी पैसा दिया था। अगर हम ब्लैक रॉक की ओनरशिप वेस्टर्न मीडिया, बैंक्स, ई कॉमर्स स्टोर्स, सोशल मीडिया, फूड एंड बेवरेजेस या और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज में देखें तो उससे ये प्रूव होता है कि इस कंपनी के पास हमारा बहुत सारा डेटा है और वो इस डेटा के साथ कुछ भी कर सकता है। टिकटॉक की डेटा हार्वेस्टिंग ब्लैक रॉक के सामने सच में कुछ भी नहीं है। उनको हमारे बैंक अकाउंट से लेके हमारे पर्सनल टेस्ट और प्रेफरेंसेस तक के बारे में सब कुछ पता है। जैसे ही चाइना में ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट ग्रो होगी वैसे ही चाइना का इन्फ्लुएंस भी दुनिया पे और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और हमारा पर्सनल डेटा जो पहले से ही इतना वल्नरेबल है उसके और भी ज्यादा गलत हाथों में जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ब्लैक रॉक के करंट ग्रोथ रेट के हिसाब से उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता ही चला जाएगा और फ्यूचर में दुनिया पे उनका और भी जबरदस्त कंट्रोल होगा। और अगर ऐसा होता है तो हम एक ऐसी बेकार दुनिया में घुस रहे हैं जहां पे कॉर्पोरेशंस के पास गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावर होगी।
जहाँ पे वोटिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी चीज़ों की पावर इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स के आगे कुछ भी नहीं है। इस मैट्रिक्स से कैसे बाहर निकला जाए?